नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन के संसदीय दल की बैठक में सर्वसम्मति से इस पर फैसला लिया गया। नरेंद्र मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। नरेंद्र मोदी ने 7 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया। इस दौरान सभी सांसदों की सहमति के दस्तावेजों को भी उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया। ऐसे में 9 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर खास तैयारियां की जा रही है। वहीं पूर्वी दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। इस समारोह में जहां एक तरफ दुनिया भर के शीर्ष नेता शामिल होंगे तो वहीं सफाईकर्मी, ट्रांसजेंडर मजदूर भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कुल 8,000 मेहमान शामिल हो सकते हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया के कई शीर्ष नेता शामिल हो सकते हैं। भारत के पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के रूप में सादर आमंत्रित किया गया है। शपथ ग्रहण को लेकर तमाम दिग्गज नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी को संसदीय दल का नेता चुना गया और माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और जिस तरीके से आज संसदीय दल की मीटिंग में चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हों, चाहे नीतीश जी हों, उन्होंने किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्थन दिया, उन्होंने कहा कि सभी दल के नेता, जो भी गठबंधन नेता, उन्होंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ। तो मुझे लगता है कि गठबंधन बहुत सशक्त गठबंधन है और ये 5 साल सरकार चलाएगा। अपोजिशन का क्या काम है? उसका काम है सिर्फ सवाल उठाना, भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं, ये ख्याली पुलाव अपना पका रहे हैं, दिन में सपने देख रहे हैं कि गठबंधन नहीं चलेगा। मेरा मानना है कि इतना सशक्त गठबंधन अभी तक नहीं बना। पूरे भारत देश की जनता जनार्दन ने मोदी जी को एक बड़ा आशीर्वाद दिया है और लगातार तीसरी बार, नेहरू जी के बाद कोई लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्तित्व तो हैं। ये मोदी जी को बड़ा आशीर्वाद जो मिला है उसके दम पर भारत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी, हम सब लोग काम कर रहे हैं। मैडम, कल माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को एनडीए का अपना नेता चुना गया है और सरकार बनाने का उन्होंने माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को अपना निमंत्रण आमंत्रण दिया है और राष्ट्रपति ने 9 तारीख को कल सरकार बनाने का आमंत्रण किया है। तो निश्चित ही जो विकसित भारत का संकल्प है उसको पूरा करने में मोदी जी निरंतर, जैसे 10 साल में पिछली बार 10 साल में जो काम किया उसको विकसित भारत बनाने में आगे 10 साल उसको पूरा करेंगे। कमेटी में या उस कोर ग्रुप में हम नहीं हैं और जाहिर सी बात है कि कल 7:15 में वोट होना है प्रधानमंत्री जी का और उनके मंत्रिपरिषद के लोगों का। तो ये सारी बातें तो स्पष्ट है कि वोट होना है, लेकिन कितने मंत्री पद का गोपनीयता का लेंगे, शपथ किनको किनको लेना है, ये सब तो सब प्रधानमंत्री और उनके जो कोर ग्रुप के लोग हैं वो लोग समझते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। देखिए, एनडीए की सरकार पिछले 10 साल से लगातार भारत में चल रही थी और तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल जो पार्लियामेंट में विजन दिया है 25 साल का, 2047 का भारत कैसा होगा, उसके बारे में सभी साथियों ने उनका समर्थन भी किया और मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन ये कार्यकाल रहने वाला है 5 साल का। 10 साल जो विकास की गति बढ़ी है उसको मुकाम तक ले जाने का ये 5 साल है। हताशा और निराशा में डूबे हुए लोग हैं, ये खुद 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए और वो हमको सलाह दे रहे हैं, बेहतर होगा वो अपने काम पे ध्यान।